हेलो प्यारे बच्चों, चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन है ये, और इसको हम लोग ट्राई करते हैं। बेसिकली देखो, अगर तुम थियोरी पढ़े हो, थियोरी स्ट्रांग है, तो ये चैप्टर बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि भाई बड़े बड़े डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तो है नहीं, समझ रहे हो ना। तो यू शुड बी वेरी कंसेप्चुअली स्ट्रांग। तो यहाँ पे थियोरी से रिलेटेड है, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को। एक कहता है, एसर्शन है कि फोटोडायोड आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस यूजुअली, ये वर्ड यूजुअली, फॉर मेजरिंग द लाइट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। देखो, जो फोटोडायोड है, फोटोडायोड क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो भाई फोटो लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये एनर्जी एनर्जी गैप से ज़्यादा है, जो फोटोन आ रहा है एच न्यू। तो यहाँ से ये, तो जनरली ये कैसे यूज होता है, रिवर्स बायस में यूज होता है। आप पढ़े होंगे इसको, जनरली ये रिवर्स बायस में यूज होता है, और यहाँ से जो करंट है वो मेजरमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वैसे वैसे इस करंट की वैल्यू क्या होगी भाई, बढ़ी जाएगी, रिवर्स करंट बढ़ेगा। तो ये जनरली ऐसे यूज होता है। बट अगर रिवर्स बायस में कर देते हो, फॉरवर्ड और रिवर्स में यूज करने से क्या मतलब है, रिवर्स बायस में यूज होता है तो डिप्लीशन लेयर जो है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो थोड़ी सी करेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। और फॉरवर्ड बायस में अगर यूज करोगे तो डिप्लीशन लेयर जो होता है, ये डिप्लीशन लेयर, ये बेसिकली थीन हो जाएगा। और डिप्लीशन लेयर थीन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट कम हो जाएगी, और करंट पहले से ज़्यादा मिलने लगेगा। रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और करंट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मेजरमेंट करना थोड़ा आसान होता है, इजी होता है। और सिंपल सी बात है, जैसे फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, वैसे तो आप इसमें जो करंट की वैल्यू है रीडिंग, वो तो बढ़ेगी ना भाई, समझ रहे ना। तो फॉरवर्ड बायस में तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, समझ रहे ना। फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड अप्लाइड वोल्टेज, द करेंट इन फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करेंट इन रिवर्स बायस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको पता है, और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में, जो फॉरवर्ड बायस क्या होता है भाई, ये देखो पी टाइप है, तो ये निगेटिव से कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस में है। तो यह एन टाइप है, निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, समझ रहे हो। और रिवर्स बायसिंग में, क्यों, डिप्लीशन लेयर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो स्टेटमेंट सेकेंड भी सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, लेकिन सेकेंड वाला पहले का सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। तो मतलब ये डी ऑप्शन सही है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी से रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन है कि इन फॉरवर्ड बायस फोटोडायोड, जैसे इंटेंसिटी लाइट इंक्रीज करोगे तो क्या बढ़ेगा भाई, सिंपल सी बात है, करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। बाकी सारे क्या है, गलत है। तो ये बेसिकली मैं कोशिश किया हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने को, बाकी आप थ्योरी पढ़ लेना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।